दिस इज गजेंद्र सिंह कठेरिया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था डैम्पर, और डैम्पर के बारे में उसके कैसे वो फंक्शन करता है, डैम्पर कितने प्रकार की डैम्पिंग होती है ना, ये हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमको जो यूजुअली जो हमको गेट में जो आता है वो आता है विस्कस डैम्पिंग, और विस्कस डैम्पिंग में भी डैशपॉट डैम्पिंग, जिसमें कि हम लोगों ने सिलेंडर और पिस्टन का यूज़ करके डैम्पिंग प्रोवाइड करी थी, यानी कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने टर्म का इंट्रोडक्शन किया था वहाँ पे, जीटा, दैट इज डैम्पिंग फैक्टर जीटा, राइट। और मैंने अपनी ही लैंग्वेज में इसको कोशिश करी थी बताने की, जो कि क्या होता है, रेशियो होता है एनर्जी लॉस टू द एनर्जी स्टोर का, ठीक है। एक्चुअली जीटा का जो फॉर्मूला है वो है सी अपॉन में सी सी, यानी कि डैम्पिंग कोएफिशिएंट अपॉन में क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट, जिसके बारे में हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे। फिलहाल ये मैं अपने हिसाब से जो मेरा जो कंसेप्ट है वो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। जीटा क्या होगा आपका, एनर्जी लॉस अपॉन में एनर्जी स्टोर, यानी कि अगर जीटा का, अगर अपन जीटा के अलग अलग वैल्यू पे हम लोग बात करेंगे, फिलहाल जो जीटा का जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव करा वो देख लीजिए आप, सी अपॉन में टू अंडर रूट के एम, जहाँ पे सी क्या होता है डैम्पिंग कोएफिशिएंट और टू अंडर रूट के एम, के हाँ के क्या है यहाँ पे स्प्रिंग स्टिफनेस एंड एम इज द मास। सो नेक्स्ट वी हैव, सो जीटा के फॉर्मूले में देखें, एनर्जी अगर लॉस की बात करें तो ऊपर आ रहा है सी, और एनर्जी स्टोर की बात करें तो नीचे आ रहा है के सी। हमको पता है कि जो स्प्रिंग होती है वो एक इलास्टिक बॉडी है जो कि एनर्जी को स्टोर कर सकती है, वहीं पे हम बात करते हैं हमारा जो डैम्पर है वो क्या करता है, एनर्जी को लॉस करता है। तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी लॉस को और के रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी स्टोर को, क्योंकि स्प्रिंग अपना में एक इलास्टिक बॉडी जो कि एनर्जी को कुछ समय तक स्टोर कर सकती है, हाउएवर इट विल डिसिपेट बाय द टाइम, बट इनिशियली जो स्प्रिंग है वो अपने आप में एनर्जी स्टोर कर सकती है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग बोल सकते हैं जीटा इक्वल टू एनर्जी लॉस अपॉन में एनर्जी स्टोरेज। तो आइए देखते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। अगर मान लीजिए जीटा इज ग्रेटर देन वन, इसका मतलब ये बता रहा है कि एनर्जी लॉस अपॉन एनर्जी स्टोरेज का जो रेशियो है वो भी क्या हुआ, ग्रेटर देन वन। दैट मीन्स एनर्जी लॉस इज ग्रेटर देन एनर्जी स्टोरेज, मतलब लॉस कौन कर रहा था, डैम्पर, स्टोर कौन कर रहा था, स्प्रिंग। तो अब अगर एनर्जी लॉस ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि जो डैम्पिंग इफेक्ट है वो स्प्रिंग के इफेक्ट से ज़्यादा है, और इसी को हम लोग कहते हैं ओवर डैम्पिंग। ओवर डैम्पिंग मतलब हम लोगों ने इतना ज़्यादा डैम्पिंग इफेक्ट वहाँ पे दे दिया कि एनर्जी स्टोर उसके अंदर हो ही नहीं पा रही, उस सिस्टम के अंदर पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ही मैक्सिमम अमाउंट में हम उसको दे रहे हैं। तो कोई भी सिस्टम जिसका जीटा अगर ग्रेटर देन वन है तो उसको हमको बोलेंगे ओवर डैम्प्ड सिस्टम। यूजुअली आप लोगों ने इसको देखा होगा, ग्लास डोर्स यूज्ड इन शॉप्स, शोरूम्स एंड कैबिन्स। आप लोग देखते हैं कि जितने भी ग्लास डोर्स हैं, आज के बाद उस पर आप नज़र डालिएगा, उसके नीचे एक एल्यूमिनियम की स्टील की एक प्लेट लगी रहती है, उसके नीचे एक मैकेनिज्म लगा रहता है जिसके कारण गेट को हम खोलते तो जोर से हैं, लेकिन आता वो बहुत धीरे 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 धीरे, क्योंकि अगर ग्लास मान लो बहुत तेजी से आया तो उसके फूटने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट वो खिंचा सकता है। इसलिए हम लोगों को वहाँ पर डैम्पर प्रोवाइड करना पड़ता है, ताकि भले ही आपने उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर ली लेकिन वो डिसिपेशन धीरे 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 कर रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे डैम्पिंग का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका ये है, आप लोगों ने यूजुअली ग्लास डोर्स देखे होंगे किसी कैबिन, किसी बड़े अधिकारी की कैबिन्स वगैरह में, यूजुअली शोरूम्स जो रहते हैं मॉल के अंदर, वहाँ पे ग्लास डोर्स हमको मिलते देखने को। तो आप उसमें नीचे की तरफ आज के बाद नज़र डालिएगा, आपको वहाँ पे ओवर डैम्प्ड सिस्टम देखने को मिलेगा। तो वहीं पे अगर जीटा अगर लेस देन वन हुआ, अगर ग्रेटर देन वन था तो डैम्पिंग इफेक्ट ज़्यादा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर लेस देन वन है तो हम बोल सकते हैं कि डैम्पिंग इफेक्ट इज लेसर देन स्प्रिंग इफेक्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अंडर डैम्पिंग, मतलब डैम्पिंग कम है और स्प्रिंग का इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब एनर्जी स्टोरेज ज़्यादा हो सकती है और एनर्जी का जो डिसिपेशन है वो कम हो रहा है। तो हम और इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या, इस प्रकार के डैम्पिंग को हम बोलते, पहली बात तो अंडर डैम्पिंग, और इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या बोलते, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास में शॉकअप्स और जितने भी ब्रिज वगैरह होते हैं। आप देखिए ब्रिज में भी अगर जब आप ब्रिज के ऊपर खड़े होंगे तो आपको बकायदा जो ब्रिज है वो वाइब्रेट होता हुआ मिलेगा जब आप उसके ऊपर खड़े होंगे। तो इसके बारे में और बात करेंगे कि कौन से प्रकार के डैम्पिंग में वाइब्रेशन होता है या ना होता है। अगला आता है हमारा जीटा इक्वल टू वन, इस केस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग, मतलब इसका मतलब ये कि जितना एनर्जी लॉस हो रहा है उतना ही एनर्जी स्टोरेज हो रहा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल डैम्पिंग, और उस सिस्टम को अपन बोलेंगे क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास में AK-47 जो गन आती है, ठीक है। यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ देखिए आप, और पिस्टन के पीछे स्प्रिंग लगी रहती है, यहाँ पे ये बुलेट रखी हुई है, देख पाएंगे आप यहाँ पे ये ट्रिगर रहता है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपने ट्रिगर दबाते तो पिस्टन आपका पीछे की तरफ मूव करता है, जितनी अमाउंट की एनर्जी उसने स्टोर करी है उतनी ही अमाउंट की एनर्जी को वो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में डिसिपेट कर देता है। ऑलराइट, तो क्रिटिकल डैम्पिंग से हम लोग देख पा रहे हैं कि एनर्जी लॉस और एनर्जी स्टोरेज दोनों क्या है, बराबर है।
तो क्रिटिकल डैम्प सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया AK-47। सो हमारे पास में एक इक्वेशन थी, हम लोगों ने पिछले उसमें डेरिवेशन में यूज किया था अल्फा, जहाँ पे हम लोगों ने दो रूट्स निकाले थे अल्फा 1, 2 माइनस जीटा प्लस माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन। ये जो रूट्स थे इसको इसके बारे में अब हम लोग करते हैं। देखिए ओवर डैम्पिंग की बात करता हूँ, मतलब जब जीटा ग्रेटर देन 1 हो, यहाँ पे 1 में लिखना भूल गया, आप लिख लीजिएगा जीटा इज ग्रेटर देन 1। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 दो रूट्स आ गए, एक बार हम लोग यहाँ पे प्लस साइन यूज करेंगे और एक बार हम लोग यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे। हमको पता है कि कोई भी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है तो उसके दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF और एक होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। तो फिलहाल हम लोग CF निकालेंगे क्योंकि PI के लिए हमारे पास में कुछ है नहीं अभी एज सच, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है MX डबल डॉट प्लस CX डॉट प्लस KX इक्वल टू जीरो है। जब इक्वल टू में जीरो आएगा तो फिलहाल PI हमारे पास में है नहीं, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम जो अनवॉन्टेड फोर्स है उसको भी इंक्लूड करेंगे तब। फिलहाल हमारे इक्वेशन के माध्यम से हम लोग सिर्फ क्या निकाल सकते हैं CF। अगर रूट्स अलग अलग होते तो CF जो होता है x वो होता है a e की पावर अल्फा 1t प्लस b e की पावर अल्फा 2t, जहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है, दोनों आपके रूट्स। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन में रखा, तो हमारे पास में x की वैल्यू जो आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही CF की। अब देख लीजिए x की जो इक्वेशन दिख रही है इक्वेशन नंबर 5, इसमें किसी भी प्रकार का साइन टर्म, कॉस टर्म या कोई से भी ऐसा टर्म नहीं है जो कि ऑक्सिलेटरी मोशन जो टर्म हमको शो करता है। जैसे साइन कर्व हम लोग स्टार्टिंग में बात कर चुके कि वो टू एंड फ्रो भी जाता है, कॉस कर्व भी टू एंड फ्रो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी इस प्रकार का टर्म यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है। सो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि देर इज नो साइन और कॉस टर्म इन इक्वेशन 5, देन वी कैन से इन ओवर डैम्पिंग देर इज नो वाइब्रेशंस। यस, अगर यहाँ पे साइन और कॉस टर्म नहीं है तो हम लोग इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई वाइब्रेशन नहीं है। मतलब अगर आपको देखें ओवर डैम्प्ड सिस्टम का तो वहाँ पे वाइब्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और हाँ, अब आप इमेजिन करिए उस ग्लास डोर को जो शोरूम के बाहर रहता है, अगर वो ओवर डैम्प नहीं होता तो बकायदा ग्लास अपनी मेन पोजीशन से बाहर भी जाता अंदर भी जाता। इमेजिन करिए कि मतलब वो शॉप के बाहर भी जा रहा है अंदर भी जा रहा है, जहाँ पे पुल पुश लिखा रहता है आपके छोड़ते से ही वो अंदर बाहर बहुत देर तक करता रहता है। जैसे कि पुलिस के जो TI का जो कैबिन रहता है यूजुअली, उसमें एक लकड़ी का रहता है जो कि पिक्चर में आपने देखा होगा, वो अंदर बाहर बहुत देर तक करता रहता है। दैट वाज अंडर डैम, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं ओवर डैम का। इतना ज़्यादा डैम्पिंग कर दिया उसके अंदर कि जितनी भी एनर्जी स्टोरेज हो रही थी वो किसी काम की नहीं रही। डैम्पिंग का इफेक्ट अच्छा खासा हमको यहाँ पे देखने को मिला इसमें ओवर डैम्पिंग में। सो नेक्स्ट वी हैव क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। क्रिटिकल डैम्पिंग में जीटा जो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 1। अब जीटा अगर जब इक्वल टू 1 होगा तब हम लोगों ने एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में हम लोगों ने जीटा जब 1 रखते हैं तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो हमारा जीरो होगी क्वांटिटी। जो क्वांटिटी बची है बची माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन, और जीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या है 1 है, तो हमारे पास जो अल्फा 1, 2 जो बचा कितना बचा माइनस ओमेगा एन। तो फिलहाल हमारे पास में जो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है माइनस ऑफ ओमेगा एन। सो हमारे पास में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसके लिए अब जो इक्वेशन बनती है वो बनती है ए प्लस बी टी टू द ब्रैकेट ई की पावर अल्फा टी, जहाँ पे अल्फा क्या हो गया हमारा रूट हो गया। अगेन वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पे माइनस ओमेगा एन टी। अगेन आप इक्वेशन 6 से देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई साइन टर्म और कॉस टर्म नहीं है, तो वी कैन से अगेन देर इज नो वाइब्रेशन इवन इन क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। यस, किसी प्रकार का कोई वाइब्रेशन हमको क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में भी देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था AK-47 का, ये जो पिस्टन है ये पिस्टन पीछे जाएगा और आएगा तो वापस अपनी जगह पे यहीं पे आ जाएगा। अगर ये आगे चले जाता तो हम इसको बोलते कि यहाँ पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, लेकिन ये पिस्टन पीछे की तरफ डिस्प्लेस हुआ और वापस छोड़ा तो इसको बस ये यहीं तक आया। मैंने इसलिए इस लाइन को यहाँ पे शो किया था, दैट इज कॉल्ड मीन पोजिशन। सो क्रिटिकली डैम सिस्टम में भी किसी प्रकार के कोई वाइब्रेशंस नहीं हो रहे हैं। देखिए एक चीज़ और है, आप लोग यहाँ पे दोनों इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन 6 से आप देख सकते हैं कि जो क्रिटिकली डैम सिस्टम का जो रिस्पॉन्स कर्व है वो फास्ट है। जो रिस्पॉन्स है वो फास्ट है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो वाइब्रेशन तो नहीं हो रही, क्या जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ कि जिस भी ऑब्जेक्ट का, वो बहुत जल्दी बहुत फास्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा इन केस ऑफ क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, और वहीं पे ओवर डैम्पिंग में वो काफ़ी टाइम ले लेगा। उन दोनों इक्वेशन से आप दोनों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कर्व भी बनाया, देखिए ये जो कर्व आप लोगों को दिख रहा है ये है क्रिटिकल डैम सिस्टम का, और ये जो दिख रहा है आपको दिख रहा है ओवर डैम सिस्टम का। ओवर डैम सिस्टम T2 अमाउंट का टाइम ले रहा है, क्रिटिकल डैम सिस्टम T1 अमाउंट का टाइम ले रहा है। यानी क्रिटिकल डैम सिस्टम जो है वो बहुत कम टाइम ले रहा है अपने जहाँ से इनिशियल पोजीशन पे आने के लिए, और ओवर डैम अपने इनिशियल पोजीशन पे आने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं
टू एंड फ्रो होता है मीन, या इसकी मीन पोजीशन थी। आप देखते हैं दोनों ही कर्व को मैंने टू बनाया है, मतलब मीन पोजीशन के सिर्फ ऊपर बनाया है, फ्रो में नहीं बनाया, क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि ओवरडैम सिस्टम और क्रिटिकली डैम सिस्टम दोनों में वाइब्रेशंस नाम की चीज नहीं है। सो थर्ड वी हैव अंडर डैम सिस्टम, यही है हमारे काम की चीज है। अंडर डैम सिस्टम मतलब क्या, जब जीटा क्या होगा लेस देन वन, अगेन मैं वन लिखना भूल गया, जब लेस देन वन होगा तो देखिए अब अगर जीटा लेस देन वन है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, आई मीन राइट 0.5 का स्क्वायर जो होगा वो 0.25 होता है, यानी कि और भी छोटा। उसको माइनस वन में से माइनस करेंगे तो अंडर रूट में जो भी वैल्यू आएगी थोड़ी नेगेटिव हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, हम लोगों ने माइनस वन यहाँ से कॉमन लिया, तो अंडर रूट माइनस वन जब बाहर आता तो वो आता आई, यानी कि आयोटा के फॉर्म में। तो अंडर रूट में क्या बचा, वन माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन, इस ओमेगा एन को मैंने मल्टीप्लाई करा तो इधर बच गया माइनस जीटा ओमेगा एन और इधर हमारा ये टर्म बचा। अब हम लोगों ने एक नया टर्म यहाँ पे इजाद किया है ओमेगा डी, राइट। अल्फा वन कॉमा टू को मैंने माइनस जीटा ओमेगा एन, ये तो वैसे का वैसा, इधर वन माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन को मैंने नया नाम दे दिया ओमेगा डी, अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। वेरी वेरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वेशन है ये, इसको अपने को याद रखना है, जहाँ पे अब ओमेगा डी क्या हो गया आपकी डैम्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ये क्या थी आपकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी, अब ये क्या होगी डैम्ड फ्रिक्वेंसी, राइट। तो हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन एक्स अब क्या दिख रही है हमको, ए ई की पावर अल्फा वन टी प्लस बी ई की पावर अल्फा टू टी, क्योंकि अलग अलग हमारे पास में रूट से एक बार प्लस यूज करेंगे एक बार माइनस यूज करेंगे, हम लोगों ने उसकी वैल्यू को रखा। अच्छा ई की प्रॉपर्टी होती है ई इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन दिख रहा है आपको यहाँ पे, और दिख रहा है ई ओमेगा डी इंटू टी, इस टी का मल्टीप्लाई दोनों में करूंगा और पूरी इक्वेशन में से ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा ए आई ओमेगा डी टी ये दिख रहा है आपको और बी ई की पावर माइनस आई ओमेगा डी टी, ठीक है। जैसा कि हमको पता है ई की पावर आई थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई की पावर माइनस आई थीटा का कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो बस कुछ नहीं करना हम लोगों को, जो अभी फिलहाल इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं ई की पावर आई के साथ में ये ओमेगा डी टी लिखा हुआ है, मतलब इस बार थीटा की वैल्यू क्या है ओमेगा डी टी। तो बस हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने ए के इसमें लिख दिया कॉस ओमेगा डी टी टी डी प्लस आई साइन ओमेगा डी टी डी, सिमिलरली यहाँ पे भी रखा, इसको हमने सिंप्लीफाई करा ए और इन दोनों में से कॉस ओमेगा डी टी कॉमन ले लिया तो आया ए प्लस बी, ये जब इसको मल्टीप्लाई करा तो ए माइनस बी आई साइन ओमेगा टी डी टी डी, ठीक है। अब यहाँ पे ए प्लस बी की जगह मैंने रखा साइन अल्फा और आई इंटू ए माइनस बी की जगह क्या रखा कॉस अल्फा इस इक्वेशन में, तो हमको ये नई इक्वेशन मिल गई एक्स इक्वल टू यू की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डी साइन अल्फा कॉस ओमेगा डी टी डी प्लस कॉस अल्फा साइन ओमेगा डी टी डी। आप देख सकते हैं ये साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को और फाइनली मॉडिफाई करा साइन ऑफ ओमेगा डी टी डी प्लस अल्फा और इनटू में क्या था हमारा एम्पलीट्यूड ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डी। सो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को अगर हम लोग बेसिक इक्वेशन से अगर कंपेयर करें एसएचएम की, तो स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी, तो कैपिटल एक्स कितना मिल गया हमको ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डी, ये गेट में क्वेश्चन आया होगा, नेक्स्ट लेसन में हम लोग उसको देखेंगे। इक्वेशन टू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको साइन टर्म दिख रहा है, साइन टर्म दिख रहा है दैट मीन्स अब हम लोग बोल सकते हैं कि यस ये क्या था हमारा अभी तक अंडर डैम्पिंग, इस अंडर डैम्पिंग में वाइब्रेशंस हो रहे हैं ये हम लोगों ने यहाँ पे शो करा है। इसका कर्व आप लोग देख लीजिए, ये देखिए कर्व अब ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से ऐसे कंटिन्यूसली आते जा रहा है, इसका एम्पलीट्यूड ये था और ये आप देख सकते हैं ई की पावर माइनस साइन दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ साथ माइनस साइन क्या बता रहा है उसका कम हो रहा है, यानी कि अंडर डैम्पिंग में जो एम्पलीट्यूड रहता है वाइब्रेशन का वो एक्सपोनेंशियली समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है कम होगा, ये हम लोगों ने ग्राफ से यहाँ पे दिखाया है। सो अभी तक कुछ फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे यूज कर चुके हैं, शुरू में हमने बात करी थी ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट के बाय एन, जिसको हमने जी बाय डेल्टा भी लिखा था, फिर स्प्रिंग फोर्स के एक्स, जीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सी अपॉन में टू अंडर रूट के एम, ओमेगा डी आपको यहाँ पे दिख रहा है अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर इनटू ओमेगा एन, ओमेगा एन आपको पता ही अंडर रूट के बाय, फिर टी डी ओमेगा डी के रिस्पेक्ट में ऑल्सो एफ डी, एफ डी क्या हो गया डैम्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी लेकिन कौन सी लीनियर, ये कौन सी थी एंगुलर थी, तो ओमेगा डी अपॉन में टू पाई और ये एम्पलीट्यूड हमारे पास में। तो ये कुछ फॉर्मूले और आज कुछ नए हम लोगों ने सीखने को हमको मिला है, तो इसी की नेक्स्ट लेसन में अब हम जितनी भी न्यूमेरिकल्स आज तक गेट में आ चुके हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स तक के हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सो अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग गेट के न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप लोग खुद से भी न्यूमेरिकल्स लगा के रखिए, हो सकता है क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करने में ज़्यादा हमको अच्छे से समझ में आता है। सो थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे।